महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों पार्टी के नेता घोटाला, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामलों में लगातार फंसते जा रहे हैं। जिस गति से नेताओं के कारनामे उजागर हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी माल कमाने के मिशन में जुटी हो। ताजा मामला उद्धव ठाकरे के सलाहकार का है। उद्धव ठाकरे के सलाहकार और पूर्व नौकरशाह अजय मेहता पर आयकर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। आयकर विभाग अजय मेहता के नरीमन पॉइंट वाले फ्लैट से जुड़ी डील पर बेनामी संपत्ति के तहत जांच कर रहा है। मेहता को फरवरी 2021 में महारेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री ठाकरे के सलाहकार ने अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की जिस कंपनी से यह फ्लैट खरीदा था, वह एक शेल कंपनी है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के दो शेयर होल्डर हैं। ये दोनों मुंबई की चौल में रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस कंपनी को सिर्फ इस फ्लैट की डील के लिए बनाया गया था। कंपनी की बैलेंस शीट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि दोनों शेयर होल्डर्स ने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि फ्लैट की डील में धोखाधड़ी की गई है। दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि मेहता ने साल 2020 में 5,033 करोड़ रुपए में 1,076 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा था। इससे पहले साल 2009 में यह प्रॉपर्टी अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कंपनी के दो शेयर होल्डर्स में से एक कामेश नथनी सिंह के इस कंपनी में 99% शेयर है। इसका पता ओबेरॉय मॉल के पास बताया गया है। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है। वहीं दूसरे शेयर होल्डर का नाम दीपेश सिंह रावत है। उसने साल 2020 से 2021 में केवल एक ही बार रिटर्न भरा था। इसमें उन्होंने अपनी आय 1,71,002 रुपए बताई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दोनों शेयर होल्डर्स की आय बेहद कम है। ऐसे में साफ है कि ये करोड़ों की संपत्ति नहीं खरीद सकते। डील विवाद पर सफाई देते हुए अजय मेहता ने बताया कि प्रॉपर्टी के मालिक को जानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वह एक कानूनी सौदा था जिसे पूरी प्रक्रिया के साथ किया गया है। मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका भुगतान किया। मैं करदाता हूँ और मुझे गड़बड़ियों के बारे में पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।